तीसरी पुत्री का उल्लेख है, बहुत सुंदर। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं एक तीसरी पुत्री है, वो तो बहुत ही विलक्षण है, जो मनु और शत्रुपा की तीसरी पुत्री है। उसका चरित्र सुनोगे विदुर? विदुर जी ने कहा महाराज ध्यान लग रहा है, जब आप इन श्लोकों का इन कथाओं का गान कर रहे हैं ना तो समाधि लग रही है, सुनाते रहो ना महाराज, सुनाते रहो, इसको विराम मत दो। तो तब मैत्रेय जी कहते हैं मनोस्तु शत्रु पाया तीसरा कन्या गिरह आपुति देवहूति प्रसूति दिविश्रुत बोला प्रसूति है, तीसरी जो पुत्री है वो प्रसूति है, और प्रसूति का विवाह मनु और शत्रुपा ने दक्ष से किया। दक्ष ब्रह्मा का मानस पुत्र है, और दक्ष से विवाह हुआ किसका? प्रसूति। तो दक्ष तो दक्ष है, दक्ष का मतलब क्या होता है बोला? बाद में दक्ष शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? क्यों नहीं बोलते? तुम भी तो बोला करो, किसे बोलते हैं दक्ष? एक जगह हम बोले कुछ, आप भी तो बोलो, बोलो तू क्यों आ रखा? हमें ही बोलना है तो तू क्यों आ रखा? हमने बोला हमने ठेका ले रखा है क्या? कुछ तुम भी बोलो, कुछ हम बोले, कुछ तुम बोले, बराबर कथा। पार्वती कुछ पार्वती बोलती हैं, कुछ शिव जी बोलते हैं, तो बराबर राम कथा। कुछ सुखदेव बोलता है, कुछ परीक्षित बोलता है, बराबर भागवत कथा। कुछ आप बोले, कुछ हम बोले, तो बराबर कथा। गौ कथा, गौ भागवत कथा। वो लोग दक्ष किसे बोलते हैं? बोल चाल की भाषा में दक्ष का मतलब होता है चाला, बुद्धिमान। बुद्धिमान को कहते हैं दक्ष। दक्ष का विवाह प्रसूति से हुआ, तो दक्ष ने कहा कि मुझे संपत्तिवान बनना है, मुझे प्रतिष्ठा पानी है, नाम वाला बनना है ना, मुझे नाम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, संपत्ति चाहिए। तो दक्ष जो हिमालय की कंदरा में गया, हिमालय की कंदरा में जाकर के दोनों हाथ उठा करके दक्ष ने क्या की? साधना की। लिखा है भागवत में बिना तप के किसी को कुछ नहीं मिलता, न मान मिलता है, न सम्मान मिलता है, न प्रतिष्ठा मिलती है, तप करना पड़ता है। लिखा है कि सती पे मंदरा द्रोण्या तपः परम दारुणः। बहुत दारुण तप किया किसने? दक्ष। और किसे मना रहा है? माँ को मना रहा है। आइए माँ को मनाएं, वैसे भी माँ माँ की कृपा से तो सब है, बिना माँ का कुछ नहीं है, जो कुछ है वो माँ ही है। तो रंदी कुले का बीच माँ, रंदी कोले का बीच माँ, तो रंदी कोले का बीच माँ, 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 तो रंदी कोले का बीच माँ, रंदी कोले का बीच माँ, रंदी कोले का बीच माँ, रंदी कोले का चरणों के मन मा
शिव जी आना सामने खड़ी हुई है। वैष्णवी शक्ति।